आज हम क्रोशिया से ही एक ऐसे डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिससे आप लेडीज़ कार्डिगन और जैकेट बहुत जल्दी बना लेंगे। बहुत ही आसान से डिज़ाइन है और बहुत अट्रैक्टिव भी है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ये ऊन चाहिए, बच्चों की स्केल चाहिए और क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। सबसे पहले हम चैन बनाएंगे, जैसा कि हम हर क्रोशिया के प्रोजेक्ट में करते हैं। इस तरह से क्रोशिए को इस तरह से राउंड करेंगे और एक नॉट लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे। चेन आपको 6 का मल्टीपल में लेना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. 6 4 are 24. अब हम यहाँ पे यहाँ पे उंगली ऐसे रखेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 थ्री चेन बनाएंगे। तो जिस पे हमने उंगली रखी है, जो लास्ट वाली हमारी चेन थी 3 चेन के पहले, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो चेन हमारा आया है, इसमें हम इस तरह से फंदा खींचेंगे और इसे बड़ा करेंगे, और इस बड़े हुए फंदे में हम ये अपनी स्केल इंसर्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हम इस तरह से देखिए फंदा लेंगे और इसे हम इस पर इस तरह से चढ़ा देंगे, देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में इस तरह से फंदा खींचेंगे और इसे हम इस तरह से चढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट, इस तरह से हम सारे चेन्स में लूप खींच लेंगे, सारे डबल क्रोशे के ऊपर इसी तरह से लूप बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी 24 लूप्स हो जाएंगे। हर डबल क्रोशे के ऊपर हमें इसी तरह से लूप बनाना है। ये देखिए, हमने सारे डबल क्रोशे के ऊपर लूप बना लिया है। अब क्या करना है, अब देखिए हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और ये जो लूप स्केल है इसे हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से पहले। अब यहाँ पे अगर आपको टॉप बनाना है, तब तो आप जितने आप लूप लीजिए उतने लूप में उतने ही सिंगल क्रोशिया बनाइए या डबल क्रोशिया बनाइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। इस जो लास्ट वाला है, इसे आपको उंगली से टाइटली पकड़ के रखना है, वरना ये जब आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो खुल जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, हमने 6 लूप लिया और ये जो हिस्सा है ये देखिए, इसे हम ऐसे थोड़ा ढीले में देखिए इस तरह से लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और फर्स्ट वाला पकड़े रहेंगे। अब हम यहाँ पे एक गांठ लगाते हैं। अब फिर से इसमें इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, अगर आपको कुर्ती या टॉप बनाना है तो 6 लूप लीजिए तो 6 सिंगल क्रोशिया ही बनाइए। लेकिन अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो आप 6 की जगह 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन बाद में जब सेकेंड रो आएगी आपकी लूप की तो उसमें आप 6 फंदों का ही लूप बनाएंगे। अब देखिए 6 हो गए। फिर अब हम यहाँ से 6 काउंट करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर सिक्स ले लेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स लूप्स हो गए, देखिए सिक्स लूप्स हैं। फिर से हम सिक्स डबल क्रोश सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स सिक्स, फिर वन थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए इस तरह से। वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये देखिए इस तरह से हम इसे कर लेंगे। अगर आपको फ्रॉक बनानी है तो जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है सिक्स, इसकी जगह आप एट सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से हम जब राउंड लेंगे तो यहीं से जितने सिंगल क्रोशिया होंगे उन सब में फिर हम एक लूप बनाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे और फिर ये लगा देंगे। और अगर आपको सेकंड कलर लगाना है तो आप यहीं से सेकंड कलर लगा सकते हैं। देखिए हमने इसे ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से, फिर उसके बाद वाले में इस तरह से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, तो ये प्रोसेस तो सेम रहेगी। बस अगर आपको अगर बढ़ाना नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे बना लीजिए। लेकिन अगर आप घेर बना रहे हैं फ्रॉक की, या बाजू आप बेल एक बाजू बना रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पे सिक्स सिंगल क्रोशिया की जगह एट सिंगल क्रोशिया कर लीजिए, फिर उसके बाद सब में ये इस तरह से बनाइए। तो एक बार और मैं इसे बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमने फिर से ये लूप बना लिए हैं। अब हम ये स्केल को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ से टर्न हो जाएंगे, और जो फर्स्ट वाला है उसे हम इसे टाइटली पकड़ के रखेंगे ताकि हमारी ये फंदे खुले ना। अब चाहे आपके कम हो या ज़्यादा, चाहे जितने भी हो, आपको ये जो पेयरिंग करनी है वो सिक्स लूप्स की करनी है। देखिए फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स हो गया। फिर इसके बीच में से हम ऐसे निकाल के पहले तो एक गांठ लगा लेंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम सिक्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, जैसे अभी तक हमने बनाया था वैसे ही सिक्स सिक्स लूप्स की पेयर करके हम इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बनने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है। और देखिए ये ढाई इंच है, सिर्फ हमारी दो या तीन रो में, फोर रोज में ये इतना ये हमारा चौड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी बन जाएगा, चाहे फ्रॉक बनाइए, टॉप बनाइए, कुर्ती बनाइए, चाहे जो भी बनाइए, इससे बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस पैटर्न को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।